मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी। बीते 70 सालों में इस शहर की आबादी 10 लाख से बढ़कर 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। बढ़ती आबादी को जगह देने के लिए मुंबई हमेशा बन रही होती है, लेकिन तीन तरफ से समुद्र से घिरे इस शहर के पास बढ़ने का एक ही रास्ता है, ऊपर। लेकिन ऐसी सूरत में भी कुछ निर्माण कभी कभी बंद या धीमे क्यों हो जाते हैं? इंजीनियर सुष्मिता पुरोहित इस समस्या से अक्सर दो चार होती हैं। हमारा जो सैंड है वो हमारा कंक्रीट का मेन कंपोनेंट है। अगर आप देखा जाए तो हमारा कंक्रीट एग्रीगेट सीमेंट और सैंड से बनता है, और सैंड हमारा उनको साथ में रखता है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो तो सैंड तो हमें लगना ही है। हमारा जो महाराष्ट्र में है वो सैंड अभी यहाँ से गुजरात से आता है, कई दूसरे स्टेट से भी आता है। समुद्र के नज़दीक होने के बावजूद मुंबई में बढ़ती आबादी के लिए घर बनाने में अक्सर रेत की किल्लत हो जाती है। हालिया अनुमान के मुताबिक शहरी भारत को हर साल 6 करोड़ टन रेत की दरकार है, खासकर निर्माण उद्योग में। निर्माण के लिए सबसे अच्छी रेत नदियों में पाई जाती है, लेकिन इस खनन का इकोसिस्टम और स्थानीय रोजी रोटी पर दूरगामी नुकसान होता है। रेत खनन पर काबू पाने की भारत सरकार की कोशिशें भी रंग नहीं ला पाईं, बिजनेस अंडरग्राउंड हो गया और खनन बेरोक टोक जारी रहा। पर्यावरण इंजीनियर और रिसर्चर देवयानी जोशी बताती हैं कि कुछ बेकार सामग्रियां अपसाइकल करके रेत का सस्ता और टिकाऊ विकल्प तैयार किया जा सकता है। थर्मल पावर प्लांट की वेस्ट सामग्री के रूप में हटाई जाने वाली फ्लाई ऐश या कोयले की राख या चिमनी के ऊपरी सिरे तक पहुंचने वाली बारीक राख जमा की जाती है, उससे ये फ्लाई ऐश एग्रीगेट तैयार किया जा सकता है। ये अपसाइकल की हुई फ्लाई ऐश एक साथ दो समस्याएं हल करती है। मुंबई में लाखों टन फ्लाई ऐश पैदा होती है। थर्मल पावर प्लांटों से मुंबई की 90% से ज्यादा ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। इलाके के कई उद्योग बतौर ईंधन कोयला इस्तेमाल करते हैं। सरकारी निर्देशों के मुताबिक निर्माण में बाइंडर के तौर पर फ्लाई ऐश का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। ये तरीका दुनिया भर में अपनाया जाता है, लेकिन हम पाते हैं कि प्राकृतिक रेत के प्रति शहरों की भूख पर इस बात का कोई खास असर नहीं पड़ा है। जिन निर्माण प्रोजेक्टों में मजबूती प्रमुख चिंता है, वहां फ्लाई ऐश से तैयार माल का व्यापक इस्तेमाल कम ही देखा जा रहा है। जो बोलते हैं नेचुरल सैंड है, जो नेचुरलिटी जो उनमें रहेगा वो किसी और सैंड में नहीं होगा, बिकॉज वो हैंडमेड रहेगा, लाइक मैनमेड प्रोड्यूस है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर होना ही है उसमें। तो ऑब्वियसली जो हमको ये नेचुरल सैंड जो हमको स्ट्रेंथ देगा या क्वालिटी देगा वो हमें हैंडमेड नहीं देगा। लेकिन मुंबई में रेत और फ्लाई ऐश से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उनका जवाब 7 समंदर पार जर्मनी की राजधानी बर्लिन के पास मिल सकता है। यहां हैं डॉक्टर अब्बास खान, जो निर्माण उद्योग की कड़ी चुनौतियों का जवाब ढूंढने में जुटे हैं। So when I was traveling in India, जब मैं भारत में था तो मुझे पता चला कि मुंबई में निर्माण रोका गया है। मैंने पता लगाया तो समझ आया कि समस्या रेत से जुड़ी है। उस वक्त मेरे पास फ्लाई ऐश का अनुभव था। मुझे ख्याल आया कि हमारे पास फ्लाई ऐश तो बहुत सारी है, लेकिन रेत की कमी है। तभी फ्लाई ऐश से रेत का विचार सूझा। डॉक्टर अब्बास ग्रीन टेक्नोलॉजीज में आला दर्जे की रिसर्च करने जर्मनी गए थे। उन्होंने यूरोपियन यूनियन इनोवेशन प्रोग्राम की मदद से एक स्टार्टअप शुरू किया। वर्षों के शोध के बाद उनकी टीम को सफलता मिली और उन्होंने लाइपोर्स नाम का एक पदार्थ तैयार किया। ये कंक्रीट को नदी की रेत जितनी ताकत देता है, लेकिन बनता कमोबेश पूरा का पूरा फ्लाई ऐश से है। लाइपोर्स के मुख्य भौतिक गुणों, रासायनिक गुणों और सबसे अहम उनकी पर्यावरणीय अनुकूलता की जांच कर सकते हैं। अगर ये तमाम विशेषताएं तयशुदा मानकों को पूरा करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइपोर्स उत्पादन के लिए तैयार है। ये प्रक्रिया इस सामग्री में बदल देती है। लाइपोर्स कुदरती रेत की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है।
हल्के वजन वाले कंक्रीट से लेकर चिनाई के मसाले तक। वे अब लैब में हुई प्रक्रिया को बड़े उत्पादन में बदल रहे हैं। लाइपोर्स टिकाऊ कंक्रीट के इन खंडों के रूप में तैयार होता है। इस प्रक्रिया में लगातार सुधार किया जा रहा है। हम लोग कम से कम केमिकल एडिटिव्स इस्तेमाल करना चाहते थे, तो आज हम उस स्थिति में आ गए हैं जहां हम कचरे से 95-97% लाइपोर्स बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल ना के बराबर किया है। भारत में कोयले का इस्तेमाल आने वाले दशकों में भी जारी रहेगा। फैलते शहरों में ज्यादा बड़े और बेहतर रिहाइश की मांग भी बनी रहेगी। अपसाइकल की हुई ये कृत्रिम रेत भारत के निर्माण में रेत की बढ़ती भूख मिटाने का तरीका भी हो सकती है।